स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। पाणों को लेके बहुत अच्छा रिस्पांस आया ये साल हमारे को। टार्जन जो हमारा था वो भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ, हर रोज़ कोई ना कोई इसको देखने के लिए हमारे फार्म पे आता है। इसीलिए ये साल थोड़ा सी क्रेज़ मेरा पाणों की तरफ ज़्यादा था, और कई लोगों का बोलना भी ये था कि आसिफ भाई ये साल आप बकरों से ज़्यादा पाणों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, बकरे भी हमारे रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन पाणे हमारा एक शौक है। हम एक ज़माने से बड़े जानवरों का जो कुर्बानी होती थी पहले 2014 के बाद बंद हुई वो, तो हम लोग वो टाइम पे बचपन से हमारा एरिया उसी के लिए फेमस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ एंटिक चीज़, यूनिक चीज़ में काम करते हैं। तो पाणों में भी इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ यूनिक चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए, और ज़्यादा यानी आप लोगों को वो यानी इंतज़ार ना करा के मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है हमारी। और ये साइड से हम लोग लेंगे उसको। बेटा ये तरफ आ जा तू, ये तरफ आ। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इसको चेहरे से दिखाएंगे, पहले सबसे पहले इसका चेहरा देंगे हम लोग। माशाल्लाह ये चीज़ देखा, शॉर्ट हाइट में बफेलो बोना। माशाल्लाह बैंटम में तो हम लोग काम करते ही थे, लेकिन जो पाड़े हैं बफेलो में है उसमें भी शॉर्ट हाइट में बैंटम में बहुत ही शानदार, और अब्बू नाम हम लोग ने इसका रखे है। और माशाल्लाह चीज आप देखें शॉर्ट हाइट में शानदार चीज, बहुत ही यूनिक चीज है, और हम लोग लेके आते ही रहते हैं इसे कुछ ना कुछ यूनिक। कुर्बानी में लोगों को कुछ नया देखने का मौका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के जरिए मिलता है। इस बार हम लोग बफेलो में जो पाड़े होते हैं उसके अंदर इस बार बड़े से बड़े में भी टार्जन हमने आपको दिखाए, उसके अलावा यूनिक क्वालिटी में कई पाड़े मैंने ये साल आपको दिखा चुका हूँ। अबलक में आपने एक देखा था जो डबल कलर में था, तो इस बार मैं सबसे हट के शॉर्ट हाइट में, यानी आप देखेंगे मेरी हाइट के लेवल यानी बकरों की हाइट का है, लेंथ आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और हम लोग रिव्यू लेंगे हमारे दोस्तों से, क्योंकि जो ये हमारे पास आया माशाल्लाह आके इसको 15 दिन लगभग हो गया है, थोड़ा हम लोग ने इसको टाइम दिया, सेट किया हमारे फार्म पे, और अब माशाल्लाह आप देखेंगे बेहतरीन साफ सुथरी चीज ब्लैक कलर में है, अल्बिनो नहीं है ये, लेकिन चीज आप देखें। तो एक 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 करके हम लोग सबको बुलाते हैं, इसको ऐसे रखेंगे। इजहार भाई आ जाओ, इजहार भाई को तो आप लोग हमेशा से जानते ही है, इजहार भाई मेरे साथ अक्सर आप देखे होंगे, डॉक्टर साहब है, इजहार भाई है, ये मेरे साथ रहते हैं। तो इजहार भाई माशाल्लाह भाई 4 फुट के आसपास में ये पहाड़ा, ये 4 फीट मेरे ख्याल से नहीं जाएगा भाई, 4 फीट नहीं, 4 फीट ये मेरे ख्याल से 30-42 लगभग हाइट होगी, 42 के हाइट है, 12-36 साढ़े तीन फीट की हाइट लगभग होगी। हम लोग इसका हाइट नाप लेते हैं यार एक बार टेप से, है ना, जब तक आप और कुछ क्या बोलना है उसके लिए बोल सकते हैं। माशाल्लाह ये अप्पू राजा, हम लोग तो उसको अप्पू राजा अप्पू, हाँ अप्पू 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 बोल के नाम से फेमस है ये, और थोड़ा एग्रेसिव भी है, ऐसा नहीं कि मतलब इजी हैंडलिंग नहीं होती है इससे, और बकरे लोग को देख के बहुत एग्रेसिव है, बकरे लोग को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर पता नहीं क्या आ गया, बकरों को देखने के बाद सबसे पहले हमला कर देता है। देखो अभी भी हाइट की बात कर रहे थे, मैं तो फिर भी 4 फुट बोल दिया, लेकिन ये 4 फुट देख लेते एक बार उसकी साइज ले, यहाँ से यहाँ से इधर आगे से 41 इंच है, मतलब 3.5 फुट भी नहीं है, 1 इंच उसमें भी कम है, 42 का साढ़े 3, अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो 3.5 फुट। बहुत यूनिक क्वालिटी में हम लोग दिखाने की हमारे चैनल के जरिए और हमारे फार्म की कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ यूनिक चीज एंटिक में लेके आए। तो इस बार हम लोग ने एंटिक में ये लाया है, इससे पहले भी कोई चीजें हमने बताई थी, और इंशाल्लाह अल्लाह का करम रहा हमारे ऊपर, वो तो हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह का करम रहा तो और अच्छी अच्छी चीजें, और आप लोगों की दुआ साथ में रहेगी तो और अच्छी अच्छी चीजें हम लोग लाते रहेंगे। तो बहुत यूनिक क्वालिटी का, लेंथ वाइज भी हर चीजें माशाल्लाह काफी अच्छी है इसकी, छोटा होने के बावजूद वेट में ज्यादा है ये। अच्छा हाँ ये वेट अच्छा है, पता नहीं वीडियो जस्टिफाई करेगा कि नहीं इसको, लेकिन बहुत अच्छे वेट में है, वजन नॉर्मल पाड़ों के बनिस्बत अच्छा है। हाँ। जैसे ऑर्डिनरी जो लगभग मेरे ख्याल से 250-300 आते हैं। हाँ। तो वो हिसाब से उसका तो बेटर है, इसको चला के दिखा देते हम लोग एक बार, देखे माशाल्लाह बहुत खुशी होती है ये सब चीजें जब अपने पास होती है और हम लोग जब लाते हैं,
तो मजा आता है ये सब चीजें देखने के लिए, खूबसूरती ये सब चीजें। अच्छा हाँ, ये दो दांत एक्यूरेट है, इसके दांत भी अपन देखेंगे, ये दो दांत दिखा लिए, दो दांत का पहाड़ा है, ऐसा नहीं है कि अदंत है और शॉर्ट हाइट इसने कर दिया है, ये दो दांत का है माशाल्लाह। देखे हम लोग को भी बहुत खुशी होती है जब कुछ एंटिक में चीजें आ जाती है अपने पास, और अनएक्सपेक्टेड आया है तो हम नहीं था। हाँ, ये कोई प्लान नहीं था कि हमारे पास प्लान में था ये कि आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे मुझे दिखा और मैंने इसको परचेस कर लिया और हमारे फार्म पे लेके आ गया। ये फॉर सेल है लेकिन ऑलरेडी ये सोल्ड आउट हो चुका है, इसको बेच दिया है हमने और ये आजकल में कहीं चला जाएगा। तो अप्पू नाम है इसका हमने अप्पू नाम रखा था, हम लोग छोटे थे जब वो अप्पू राजा करके पिक्चर आई थी कमल हसन की, तो बहुत फेमस थी, तो कभी भी कोई बोने को हम लोग देखते हैं शॉर्ट हाइट में ड्रॉप बोलते हैं, तो ड्रॉप को अप्पू ही नाम हम लोग बोलते थे। तो मैं जस्ट इसको जब देखा फर्स्ट टाइम तो मेरे मुंह से अप्पू ही निकला था, वो नाम हम लोग ने इसको रख दिया। और माशाल्लाह जो भी लोग फार्म पे आ रहे हैं देख रहे हैं तो वो अप्पू नाम से ही इसको बुला रहे हैं। तो अभी है दो एक दिन हमारे फार्म पे है, अगर आप लोगों को देखना, हाँ देखना है, यूनिक चीज देखने का शौक है तो आप लोग आ सकते हैं। और उसके अलावा कपड़ों का भी लॉट हमारे पास रेगुलर आ रहा है, बिक रहा है, अल्लाह के फजल करम से स्कीम भी इसके अंदर अच्छी अच्छी हम लोग ला रहे हैं। और उसके अलावा भी हमारे फार्म पे अभी और भी पाड़े हैं काफी, तो उसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से बिके हुए हैं, और हाँ एक है लेकिन हम लोग इंशाल्लाह शायद उम्मीद है कि एक दो तीन दिन में हम लोग कुछ पाड़ों का लॉट लाएंगे जो कुर्बानी के ताल्लुक से रहे, तो अच्छी चीज़ है, हम लोग कुर्बानी के लिए भी पाड़े लाने के सोच रहे हैं जो लोगों की ज़रूरत है, और रिजनेबल रेट उसमें भी करूँगा मैं अल्लाह ने चाहा तो। जो हम लोग का फार्म का एक वो है मोटिव कि सस्ती चीज़ें हम लोग आपको पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह अपन वो सस्ती चीज़ें भी इंशाल्लाह भी कुर्बानी होगी। हाँ गरीबों मत बोलो भाई, लोग ऐसा बोलते हैं कि यार जो ले रहे हो गरीब थोड़ी है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन दाती पाड़े ये अदंत नहीं, अदंत नहीं लाएंगे हम लोग, दाती पाड़े लाएंगे इंशाल्लाह। अभी दोपहर में एक जगह गए थे पाड़े देखने, उसमें से सिर्फ एक पाड़ा जो है दादी था, बाकी सबके सब बताएंगे नहीं किधर था। हाँ वो अदंत पाड़ों की कुर्बानी मैक्सिमम मेरे ख्याल से 90% तो आई थिंक यहाँ अदंती होती है। दांत एक्चुअली इनका देखना बहुत कॉम्प्लिकेशन है, लोग समझ नहीं पाते इनका दांत देखना, इसको एक्सपीरियंस है। हाँ जो एक्सपीरियंस है, जो पुराना है, जो जानकार आदमी है वही पाड़ों का, क्योंकि इनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी दांत बड़े होते हैं रेगुलर वैसे, तो वो हिसाब से इन लोग है। और हम लोग देख रहे हैं कुछ फ्यूचर में आगे नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ऐसा कुछ इरादा है हम लोग। अच्छा मशहूर आपके पास रिजल्ट जो इतना अच्छा पाड़े का आया है, हाँ वो पढ़ाई क्यों नहीं चालू कर देते? मैं वो बताना था एक्चुअली, मैं बोला नहीं था भूल गया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग सेटअप कर रहे हैं हमारे फार्म पे ही, आई थिंक 10 एक पहाड़ों का जगह बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10 टार्जन बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला कामयाब करे। और उसके लिए ऑलरेडी दो पहाड़े हम लोग ने पलाई, दो लोगों ने रखे पलाई पे, कस्टमर के आ चुके हैं, और एक पाड़ा हमने खुद अपने लिए परचेस किया है, इंशाल्लाह मौका लगेगा तो हम लोग वो भी आगे उसकी वीडियो बना के बताएंगे। ऑलरेडी हमने एक नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग ने भी एक पाड़ा परचेस करके ले लिया, तो पाड़े की पलाई इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर कोई चाहता है अच्छी पलाई यानी जानवर खिलाने वाली पलाई तंदुरुस्त होने वाली, इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे आते साल के लिए इंशाल्लाह। तो क्या है, खत्म करें वीडियो यहीं पे, एक बार इसको चला के दिखा देते हैं। अच्छा बेटा चलो, ये देखें बिल्कुल शॉर्ट हाइट में है माशाल्लाह, आगे आगे से चलता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, इसको आगे से चलाते हुए आगे से उसके पैर 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 की साइज देखे, पैर की साइज अच्छे से। तो इंशाल्लाह हम लोग यूनिक चीज में भी काम करेंगे और ऐसे कुछ बोने और हम लोग परचेस करने का इरादा है, जो यूनिक चीजें रखने का या नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं कि हम लोग, तो उसमें यूनिक चीज़ भी हम पालेंगे। इसका पालने का फ़ायदा ये होगा कि जब ये अभी तो फिल वक्त एवरेज तैयार है, ये बहुत तैयार होते हैं यानी पूरे गेंडे जैसे, एक्चुअल
जो बोने गेंदे बजाते हैं वैसे हो जाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे ला के उसको बोने बोने को कहने को, ये हम लोग पलाई के सिस्टम इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कैसी लगी वीडियो ज़रूर दें, अपने फीडबैक दें और हमारे लिए दुआ करें। सीज़न स्टार्ट है, देवनार भी कल से स्टार्ट होने वाला है और मैं देवनार का कोई अपडेट रहेगा इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा देवनार विजिट करने की और वहां की भी अपडेट दूं। और मेरे फार्म की अपडेट तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ आपको आती है और अल्लाह ने चाहा तो कल नहीं तो परसों सुबह हमारे यहाँ नया माल आने वाला है, नई गाड़ी है परसों की, जिसमें खस्सी इंशाल्लाह जो काफ़ी लोग खस्सी के लिए रिटर्न हो रहे थे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। अंडू का स्टॉक तो आज भी हमारे पास आया, कुछ 30-35 बकरे आज अंडू के आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छे बकरे बिके हैं। तो आइए विजिट करें, 399 की स्कीम हमारे इधर कंटिन्यू है, सिर्फ आई थिंक मेरे ख्याल से बड़े अंडू का हम लोग 450 ले रहे जो 75-80 या 90 केजी तक के बकरे हैं। तो आए विजिट करें स्टार गोट्स फार्म पे और बाकी फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।